दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल चिकित्सा गैस्ट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के बारे में। इसकी ओपीडी कहाँ पे रहती है, किस बीमारी पे आप लोग पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में दिखा सकते हो, इसके बेस्ट डॉक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे, किस दिन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बाल चिकित्सा गैस्ट्रोलॉजी ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के लीवर हो गया, पाचन संबंधी कोई दिक्कत होती है और पोषण संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ वे डॉक्टर होते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी। वे दोस्तों जन्म से लेकर, यानी जब आपका बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक जो है वो डॉक्टर आपके बच्चे को जो है देखते हैं। जैसे कि आपके लीवर पोषण संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं उन्हें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देखते हैं, यानी कि हम उनको हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ बोलते हैं और इंग्लिश में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो पूरा शुरू करने से पहले कि बीमारी के बारे में, मतलब और भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अगर आपके बच्चे को होती हैं तो आप लोग हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में या कहीं भी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं बीमारियों के बारे में। तो गाइस, नवीन ओपीडी के चौथी मंजिल पे लगती है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी की ओपीडी ए ब्लॉक में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। तो दोस्तों हफ्ते में ना 5 दिन ओपीडी रहती है गैस्ट्रोलॉजी की, अब वीक में 5 दिन, और वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बता भी दिया है, देखा होगा। और फिलहाल ये अभी शाम का टाइम है तो सारे पेशेंट जा चुके हैं, ओपीडी मतलब ख़त्म हो गई है। यानी कि दोस्तों जो बड़े को देखते हैं एडल्ट को, मतलब गैस्ट्रोलॉजी ओपीडी वो और पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी वो दोनों आमने सामने हैं, यानी कि चौथी मंजिल पे आपको आना है ए ब्लॉक में गैस्ट्रोलॉजी पीडियाट्रिक के लिए, यहीं पे डॉक्टर देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल चिकित्सा गैस्ट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के बारे में। इसकी ओपीडी कहाँ पे रहती है, किस बीमारी पे आप लोग पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में दिखा सकते हो, इसके बेस्ट डॉक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे, किस दिन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बाल चिकित्सा गैस्ट्रोलॉजी ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के लीवर हो गया, पाचन संबंधी कोई दिक्कत होती है और पोषण संबंधी समस्याओं के विशेषज्ञ वे डॉक्टर होते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी। वे दोस्तों जन्म से लेकर, यानी जब आपका बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक जो है वो डॉक्टर आपके बच्चे को जो है देखते हैं। जैसे कि आपके लीवर पोषण संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं उन्हें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देखते हैं, यानी कि हम उनको हिंदी में बाल रोग विशेषज्ञ बोलते हैं और इंग्लिश में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो पूरा शुरू करने से पहले कि बीमारी के बारे में, मतलब और भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अगर आपके बच्चे को होती हैं तो आप लोग हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में या कहीं भी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। तो कुछ बात कर लेते हैं बीमारियों के बारे में। दोस्तों अगर आपके बच्चे को उल्टी हो रही है या पेट में दिक्कत हो रही है या दस्त हो रहा है या लगातार पेट में पेन यानी कि काफ़ी दर्द हो रहा है, और या फिर मतलब पित्त से संबंधित कोई दिक्कत होती है या लैट्रिन वगैरह पड़ रही है, या फिर और भी मतलब जो भी पेट से संबंधित दिक्कत होती है, खाना जैसे हजम नहीं हो रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो आप लोग ये सब अगर बीमारियां हैं आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा जन्म से लेके 18 साल तक की आयु का है, तो आप लोग जो है हमारे यहाँ पे आके गैस्ट्रोलॉजी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी विभाग में दिखा सकते हो। और दोस्तों वयस्कों की तरह, यानी कि जैसे बड़ों लोगों के पेट में दर्द होता है, लीवर में प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं हजम होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, वैसे ही दोस्तों बच्चों को भी दिक्कत होती है। अगर जैसे कि कभी कभी भाई जब से छोटा बच्चा होता है, जैसे गंदगी हो गई या फिर बच्चे को खाना सूट नहीं किया या कुछ दिक्कत होती है, या ठंडी हो रही है या गर्मी हो रही है तो खाना हजम नहीं होता है, या पेट में दर्द होता है, या आपके बच्चे को खून की उल्टी हो रही है या फिर ऐसे वोमिटिंग हो रही है, हाँ, तो और जैसे कि मल में खून आना है, मतलब ये सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई बीमारी हो रही है आपके बच्चे को तो आप लोग जो है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में दिखा सकते हो। और दोस्तों अधिकतर दोस्तों डॉक्टर जो है जांच क्लोनोस्कोपी एंडोस्कोपी जो है कराते हैं, और दोस्तों एक होता है कैप्सूल एंडोस्कोपी, ये मतलब ये जो है
पेशेंट के मुंह से डाला जाता है, और इसमें एक जो है कैमरा लगा होता है, उसमें पेशेंट के जब अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारी फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद में यही प्रक्रिया होती है, फिर कई सारी फ़ोटो खींच के बाद में फिर डॉक्टर उस चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से है, क्या दिक्कत आ रही है, उस बीमारी को समझने में आसानी होती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो है एक नॉर्मल चीज़ें मतलब समथिंग वो आपको मैंने बता दी है कि किस किस बीमारी पे आप लोग जो है दिखा सकते हो। हालांकि दोस्तों और ज़्यादा जैसे कोई और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, अगर आपके बच्चे को हो रही है वो डॉक्टर बताएंगे, जहाँ पे आप लोग दिखा रहे होगे वो सब भी दिक्कत होती है। अगर आपको पीजीआई में दिखाना है तो डॉक्टर वहाँ से रेफर कर देंगे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आके दिखा सकते हो। तो मैंने आपको दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि किन किन बीमारियों पर आप लोग अपने बच्चे को यहाँ पे आके दिखा सकते हो। अब मैं दोस्तों बात कर ले रहा हूँ कि मेन आपको मैंने बता दिया ये, और मेन अब ये है दोस्तों कि किस दिन कौन से डॉक्टर बैठते हैं और कौन से बेस्ट डॉक्टर हैं ओपीडी में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब चलो शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली और जो आगे की वीडियोस हैं और भी डिपार्टमेंट्स की, वो आप लोगों तक पहुंच सके। और बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो वीडियो पूरा देखिएगा, वॉच दिस फुल वीडियो एंड लेट्स प्ले अगेन। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी की ओपीडी जो है नवीन ओपीडी के चौथी मंजिल पे ए ब्लॉक में रहती है, और वहाँ पे दोस्तों जो है इसकी ओपीडी हेप्टोलॉजी में रहती है, वहाँ पे हेप्टोलॉजी और पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी है, अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, हफ्ते में वहाँ पे 5 दिन ओपीडी रहती है, किस किस दिन रहती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में। संडे को तो ओपीडी बंद रहती है, तो मैं बात करता हूँ दोस्तों मंडे से, तो ध्यान से सुनिएगा और आपकी स्क्रीन पे शो भी करता रहेगा कि किस दिन कौन से डॉक्टर जो है ओपीडी में बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों मंडे दिन सोमवार को। तो दोस्तों सोमवार को आप ये दोस्तों जिन डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ये कंसल्टेंट जो है डॉक्टर हैं, वहाँ पे और भी डॉक्टर मिलेंगे आपको, 4, 5, 6, 7 डॉक्टर रहते हैं, लेकिन जिन डॉक्टर का मैं नाम बता रहा हूँ ये सारे कंसल्टेंट मतलब डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। और देखिए दोस्तों मंडे की अगर मैं बात कर लूँ तो मंडे को आपको जो है डॉक्टर उज्जवल पोद्दार सर मिलेंगे, डॉक्टर उज्जवल स्क्रीन पे लिखा है PODDAR, ये सर मिलेंगे। और सेकंड है डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव सर मिलेंगे आपको, फिर तीसरे हैं डॉक्टर मोइनक सेन शर्मा सर, ये 3 डॉक्टर आपको जो है दोस्तों मिलेंगे ओपीडी में मंडे को। ट्यूसडे को भी यही सेम डॉक्टर मिलेंगे, जितने सोमवार को मिलेंगे वही 3 मंगलवार को सॉल्व जो है मिलेंगे। और वेनेसडे दोस्तों यानी कि जो है बुधवार को भी यही सेम डॉक्टर मिलेंगे 3, मतलब सोमवार से लेके बुधवार तक यही 3 डॉक्टर आपको जो है मिलेंगे दोस्तों, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा। और फिर दोस्तों थर्सडे, थर्सडे को भी डॉक्टर सेम डॉक्टर यही मिलेंगे दोस्तों, थर्सडे को भी यही जो मैंने आपको बताया है सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक जो है यही डॉक्टर मिलेंगे। फ्राइडे को दोस्तों ओपीडी नहीं रहती है, यानी कि शुक्रवार को ओपीडी इसकी नहीं रहेगी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी की। फिर सैटरडे को डॉक्टर डॉक्टर एल भारती यानी कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती ये डॉक्टर मिलेंगे, और संडे को ओपीडी बंद रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो है बता दिया है कि 7 दिन की शेड्यूल के बारे में, संडे को ओपीडी बंद रहेगी, फ्राइडे को ओपीडी नहीं रहती है इसकी, और बाकी 5 दिन ओपीडी रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे। और दोस्तों पीडियाट्रिक लीवर, अगर आपके बच्चे के लीवर में कुछ दिक्कत होती है, आँख में दिक्कत होती है, तो आप लोग मंडे को दिखा लीजिए और वेडनेसडे को दिखा लीजिए बुधवार को। और अब मैं अगर एक होता है दोस्तों जैसे कि बेस्ट डॉक्टर यानी कि अच्छे डॉक्टर कौन से होते हैं, बहुत से लोगों का कमेंट ये भी आता है, तो देखिए मैं आपको अधिकतर बताता रहता हूँ कि यहाँ पे सब अच्छे और बेस्ट डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर दिखाना है दोस्तों आप तो डॉक्टर उज्जवल पोद्दार सर को दिखा सकते हैं, और डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव सर को दिखा लीजिए, और डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती को दिखा लीजिए, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन क्लिनिक बेस्ट डॉक्टर हैं, और इन लीवर के स्पेशलिस्ट काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर मोइनक सेन शर्मा इन सर को दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको भाई बता दिया है, बाकी ये सब कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, सब अच्छे डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को आप जो है दिखा सकते हो।
और इसके ओपी और वहाँ पे दोस्तों ओपीडी में काफी जगह लिखा रहता है लिफ्ट के पास में और कई जगह ये कौन सा फ्लोर यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट किस फ्लोर पे पड़ता है, आप उसको पढ़ के फॉलो करके वहाँ पे जाके दिखा सकते हो। सारा कुछ वहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा कि किस फ्लोर पे कौन सी ओपीडी पड़ती है, कौन सा किस ब्लॉक में पड़ता है, सारा कुछ भाई स्पष्ट लिखा रहेगा। जगह जगह पे वहाँ पे पोस्टर चिपके रहते हैं, बोर्ड लगा रहता है, तो आप लोग पढ़ के आराम से भाई जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हालांकि भाई देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, लिखा भी रहता है पढ़ते भी है लेकिन समझ में नहीं आता है, तो जगह जगह लिखा है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ के जा सकते हो। दोस्तों आप सभी को पता है और मैं कई बार अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ कि पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ में जितने भी मरीज देखे जाते हैं चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों वयस्क हों कोई भी पेशेंट हो, तो यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस पेशेंट ही देखे जाते हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर हो उसके द्वारा रेफर किया हुआ मरीज तभी यहाँ पे देखा जाएगा, फिर फाइल बनेगी तब डॉक्टर देखेंगे। और अधिकतर बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर क्या मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ डॉक्टर को, तो डायरेक्ट आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो, बिना रेफर नहीं दिखा सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं भाई वो आपको करना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिना रेफर यहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो है नहीं देखेंगे, मतलब फाइल नहीं बनेगी, जो रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग फिर तभी डॉक्टर देखेंगे, तो जब तक फाइल नहीं बनेगी तब तक डॉक्टर नहीं देखेंगे फाइल। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, ये तो वीडियो जो है वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार बता दूंगा कि क्या यहाँ पे अभी बदलाव हुआ है या अब क्या क्या नियम है, क्या ऑनलाइन करना जरूरी है या कैसे क्या होता है, क्या क्या जरूरी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी के बारे में कि किस किस बीमारी पे आप लोग अपने बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोलॉजी में दिखा सकते हो यानी कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में, ये मैंने आपको बता दिया है, और किस दिन कौन से डॉक्टर बैठते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, कितने दिन ओपीडी रहेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों जैसे कि आपके पेशेंट बच्चे को डॉक्टर एडमिट करते हैं, बच्चे एडमिट कहाँ होते हैं वो भी मैं आपको एक नॉर्मल बता दे रहा हूँ, वैसे तो ये सब बात की बात है वो आपको सब मालूम हो जाएगा, लेकिन जैसे कि बच्चा एडमिट करते हैं वो आपका पुरानी बिल्डिंग में करते हैं, आपको पुरानी बिल्डिंग आना है एच ब्लॉक में यानी जी ब्लॉक के आगे, तो एच ब्लॉक में इसका वार्ड है जहाँ पे पेशेंट जो है दोस्तों एडमिट रहते हैं बच्चे वहाँ पे पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग वो मतलब जब भी एडमिट करने के लिए बोलेंगे तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा पुरानी बिल्डिंग एच ब्लॉक में। बाकी ठीक है दोस्तों इस ब्लॉक को हम यहीं पे एंड करते हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो भाई सब तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। और दोस्तों जो है बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है आज छुट्टी हो चुकी है, मतलब ऑफिस से छुट्टी हो चुकी है और आज है ट्यूसडे, मंगलवार, काम बहुत था, एक मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला, इसलिए कोई मतलब वीडियो या इन्फॉर्मेशन नहीं बताया। ये तो आज ही का, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये पहले का शूट किया हुआ वीडियो है, 8:04 हो चुके हैं और अभी गाइस ना जो है मालूम हुआ था यहाँ पे रैन बसारा बन रहा है आप लोगों के रहने के लिए, बहुत लोग होटल वगैरह भाई नहीं ले पाते हैं उनके लिए, सामने तो ये सामने इमरजेंसी है यहाँ पे बनेगा भाई रैन बसेरा। तो गाइस अभी जो है छुट्टी हो चुकी है तो आप भाई निकल रहे हैं घर के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत रोड पे चलने में इतना भाई डर लगता है, पब्लिक से ज़्यादा वहाँ गाड़ी मोटर हो चुकी है, बहुत डर लगता है। चलो मिलते हैं फिर।